कहावत तो सुनी होगी कि चोर के हाथ में खजाने की चाबी ना, तो अब यही कहावत आजकल मध्य प्रदेश के आबकार विभाग में चरितार्थ होती नजर आ रही है, जहां ऐसे ऐसे चोरों की पोस्टिंग की गई है कि इनके आगे तो अच्छे अच्छे डकैत भी फैल जाए। विभाग में बैठे एक से एक बढ़कर एक अपात्र अधिकारी आए दिन विभाग की छवि को धूमिल करने और उस पर काले पोतने का काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग में बैठे आला अफसर आंखें मूंदे विभाग की बदहाली को देख रहे हैं। ताजा मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब मध्य प्रदेश आबकारी के जबलपुर के अंग्रेजी शराब बाउंड प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी त्रिपाठी अवैध रूप से शराब बेचते रंगे हाथों पकड़े गए, जिसके बाद न सिर्फ उनकी जमकर धुनाई हुई बल्कि सुनने में तो यह भी आया है कि यदि अधिकारियों के फोन न आए होते तो उनका जुलूस भी निकाला जाता। असल में माजरा केवल अधिकारी महोदय के अवैध शराब बेचने का ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी कहानी और षड्यंत्र है। कई ऐसे चेहरे जो कि विभाग की भलाईदार सीटों पर विराजित होकर न केवल जनता के हक पर डाका डाल रहे हैं। मामला दो दिन पूर्व ही जबलपुर के गंगानगर स्थित आयुषी पाम ग्रीन अपार्टमेंट से ब्लैकर दीपेश शर्मा उर्फ दीपू बरखेड़ा वाला की 3 लग्जरी गाड़ी से हाई रेंज विस्की तकरीबन 85 पेटी क्राइम ब्रांच द्वारा जब्त की गई थी, तो वही शराब आज फिर ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा बाउंड से निकलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि जब्त शराब विदेशी मदिरा वेयरहाउस यानी कि बाउंड से बाहर निकलना बिना आबकारी उपायुक्त के संभव नहीं है, यानी दाल में कुछ काला होना हो यहां पूरी दाल काली जरूर है। अब विकास का विकास कहां तक हो रहा है जरा ये भी आप समझ लीजिए। विश्वसनीय सूत्रों की मानी जाए तो विकास त्रिपाठी द्वारा लाइसेंसी ठेकेदारों पर दबाव बनाकर जबलपुर जिले के 52 ग्रुप के 143 कंपोज दुकानों से एवं 24 दुकानें कटनी, 6 गोटे गांव, 22 नरसिंहपुर, 17 मंडला, 5 डिंडोरी की दुकानों से 7,000 रुपए प्रति दुकान के हिसाब से मदिरा वाहन की प्रति पेटी के 10 रुपए लोडिंग और 5 रुपए अनलोडिंग और दुकानों की तय राशि के आधार पर अनुमानित 35 लाख रुपए प्रतिमाह की उगाई के साथ शहर के तलवरा में सुकून रिजॉर्ट, स्नेहनगर में सुकून स्वीट्स, शहर में 3 बंगले, 2 फ्लैट, बर्गी में 8 एकड़ जमीन पर फार्म हाउस, पानगर में 15 एकड़ अड़ाई पर दी गई जमीन के साथ लखनादौन में क्रैशर एवं डिंडोरी में 2 क्रैशर एवं घर में 2 लग्जरी कार के साथ का यह पूरा खिस्सा है। भ्रष्ट त्रिपाठी द्वारा काली कमाई के किस्से का हिस्सा यहाँ तक ही सीमित नहीं है, उन्होंने तो अपने आकाओं को खुश रखने के लिए भ्रष्ट त्रिपाठी जबलपुर आबकारी उपायुक्त डीसी अग्निहोत्री के नाम पर 15 लाख रुपए, तो वहीं जिला आबकारी आयुक्त एसी रविंद्र माणिकपुरी के नाम पर 5 लाख रुपए, जिला कंट्रोलर जीएल मरावी को वीआईपी के नाम पर 9 लाख रुपए प्रतिमाह का करार का भी हिस्सा है। फिर जबलपुर के भगवाधारी विधायक अजय बिश्नोई के आशीर्वाद से शहर का विकास ही नहीं बल्कि विकास का भी विकास हो रहा है। और रही बात दीपू शर्मा की, तो दीपू शर्मा जैसे त्रिपाठी के हाथ की कई चर्चित नाम अभी भी फल फूल रहे हैं। फिलहाल तो जबलपुर उपायुक्त अग्निहोत्री और प्रभारी जिला आबकारी आयुक्त रविंद्र माणिकपुरी द्वारा आगामी चुनाव का हवाला देते हुए मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन उक्त मामले में सामने आने के बाद एक बार फिर ये सोचने पर जरूर मजबूर कर दिया है कि अजब एमपी में गजब का ही सिस्टम है। यहाँ तो कोई दो राय नहीं है, मध्य प्रदेश आबकारी में एक से एक शख्सियतों की भर्ती है, चाहे फिर वो शिवराज शासन में हो या फिर प्रशासन में हो, क्योंकि यहाँ पात्रों से अधिक तो अपात्रों का बोलबाला है। क्योंकि या तो यहाँ कोई लूट रहा है या तो कोई टूट रहा है, कोई तो रिश्वत से तो कोई अशमत से तो कोई चोर तो कोई साह, सब शिव के राज में चक्की में पीस रहे हैं। लेकिन आखिर काली कमाई का बेताज बादशाह कौन है, ये सच भी राजधानी राय जल्द ही सबके सामने रखेगा, लेकिन क्या सच है और क्या झूठ है फिलहाल ये जांच का विषय है। और राजधानी राय इस विषय में पीएस मैडम और कलेक्टर से उचित जांच की दरकार करता है।